दोस्तों आज के समय में हमें रूस और चीन आपस में बहुत नजदीक दिखते हैं क्योंकि दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त अमेरिका है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों का अलायंस सिर्फ बाहर से ही स्ट्रांग नजर आता है जबकि अंदर से इसमें कई क्रैक्स मौजूद हैं। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगर आज रूस को किसी देश से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो अमेरिका नहीं बल्कि चीन है और ये बात दोनों ही देश समझते हैं। तो दोस्तों आखिर क्यों बढ़ रही है रूस और चीन के बीच की ये टेंशन और क्यों इन दोनों का अलायंस बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएगा, आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि रूस और चीन के साथ आने की वजह अमेरिका है लेकिन इन दोनों के ही एक दूसरे के खिलाफ होने की कई वजह है और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है 1858 का साल जब चीन पर चिंग डायनेस्टी का शासन था। दोस्तों तब चीन का साइज आज से भी बड़ा होता था लेकिन चीन के अंदर ही एक सिविल वॉर शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भी सेकंड ओपियम वॉर छेड़ दी। सिचुएशन का फायदा उठाकर रूस ने अपनी सेना को चीन के बॉर्डर पर इकट्ठा किया और उनसे शांति बनाए रखने के बदले में ये डिमांड की कि आउटर मंचूरिया का हिस्सा उनके हवाले कर दे। अब चूंकि चीन इस वक्त एक और युद्ध को नहीं संभाल सकता था इसीलिए इस पूरे इलाके को बिना किसी लड़ाई के ही रूस के हवाले कर दिया गया। अब दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये इलाका आज के यूक्रेन से भी बड़ा था और अभी भी ये रूस के ही कंट्रोल में है। रूस के लिए आज आउटर मंचूरिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर व्लादिवोस्टोक जैसे पोर्ट्स हैं जहाँ से रूस को पैसिफिक ओशन और सी ऑफ जापान का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर रूस ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैनात किया हुआ है लेकिन दोस्तों चीन की वन चाइना पॉलिसी के तहत उन्हें उस पूरे इलाके पर कब्जा करना है जिस पर कभी चीन का कब्जा था और दोस्तों इसी वजह से ये टेरिटरी भी रूस और चीन के बीच कई बार कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनी है। जब चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हुआ तब माओ ने एक बार पार्टी मीटिंग में कहा था कि वो इस जमीन को वापस लेकर रहेंगे लेकिन जब ये बात बाहर लीक हुई तो काफी हंगामा मचा क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन और चीन को एक ही कैंप में देखा जाता था। धीरे धीरे सोवियत यूनियन और चीन के रिश्तों में भी दरार आनी शुरू हो गई और 1969 में ये दरार इतनी बढ़ गई कि चीन और सोवियत यूनियन के बीच इस टेरिटरी को लेकर एक जंग भी हुई। चीन ने 15 लाख सिपाही अपने बॉर्डर पर खड़े कर लिए जिसके जवाब में रूस के पास सिर्फ 3.5 लाख सिपाही थे और ये लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन फिर इन दोनों ही देशों की सरकारों ने बॉर्डर एग्रीमेंट साइन कर लिया लेकिन दोस्तों इन एग्रीमेंट्स पर न तो कभी चीन को विश्वास रहा और न ही कभी रूस को। अब बॉर्डर एग्रीमेंट तो रूस ने यूक्रेन के साथ भी साइन किए थे लेकिन उसने उस पर भी अपना क्लेम कहाँ छोड़ा और दोस्तों चीन का भी यही मसला है। अब इस एक कॉन्फ्लिक्ट को अगर दरकिनार भी कर दें तो भी और बहुत सी वजह है जिनके कारण चीन और रूस के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 15 नए देश बने लेकिन रूस ये चाहता था कि वो अब भी उन्हें कंट्रोल करे। इसी वजह से आज भी पुतिन इस इलाके पर अपना हक जताते हैं लेकिन आज की रियलिटी बहुत बदल गई है। एक तरफ तो नाटो यूरोप से एंट्री कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ अब सेंट्रल एशिया में चीन भी धीरे धीरे अंदर घुस रहा है। जी हाँ, आज किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश रूस की नहीं बल्कि चीन की बात सुनते हैं और इसके भी जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। आज यूं तो चीन के पास सब कुछ है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उनकी मिलिट्री भी टॉप क्लास है लेकिन जो एक चीज उसके पास नहीं है वो है नेचुरल रिसोर्सेज जिस वजह से उसे ऑयल, गैस, कोल और बाकी कई सारे मेटल्स को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है और दोस्तों ये ज्यादातर इम्पोर्ट समंदर के रास्ते ही होता है। अब समंदर के रास्ते में भी एक परेशानी ये है कि ये सारा सामान स्ट्रेट ऑफ मलाका नाम के एक छोटे से चोक पॉइंट से होकर गुजरता है और यहाँ पर भारत और अमेरिका दोनों का ही अपना इन्फ्लुएंस है। अब अगर ऐसे में कभी चीन किसी युद्ध में कूदता है तो सिर्फ इस चोक पॉइंट के जरिए ही चीन की सप्लाई को बंद करके वह एनर्जी क्राइसिस लाया जा सकता है। चीन अपनी इस कमजोरी को समझता है और इसीलिए उसने सेंट्रल एशिया के इन देशों का रुख किया है क्योंकि इन देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार है। इनके इलाके ऑयल और नेचुरल गैस से भरे पड़े हैं। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर कई सारी पाइपलाइंस बिछाई है और आज तुर्कमेनिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा कस्टमर चीन ही है। और दोस्तों चीन का 15% ऑयल सिर्फ सेंट्रल एशिया से ही आता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे ये देश चीन के करीब आते जा रहे हैं ये रूस की ग्रिप से छूटते जा रहे हैं और अब ये चाइना के लॉयलिस्ट बन गए हैं। सोचिए, एक तरफ तो रूस यूरोप में नाटो से मार खा रहा था और वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया में उनकी ग्रिप कमजोर पड़ गई और जो आउटर मंचूरिया का इलाका है उसे भी चीन अब वापस चाहता है क्योंकि इस इलाके पर अगर उनका कब्जा हो जाएगा तो उन्हें भी सी ऑफ
जापान का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ से वो अपने दूसरे दुश्मन जापान के खिलाफ ज्यादा प्रिपेयर्ड रह सकता है। इसीलिए दोस्तों ये बात बिल्कुल पक्की है कि पहला मौका मिलते ही चीन इस जमीन पर वापस कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रूस और चीन के बीच की टेंशन की एक तीसरी वजह ये भी है कि इन दोनों के रोल्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बदल गए हैं। आज रूस के पास एक विशाल मिलिट्री जरूर है, लेकिन वो चीन से बेहतर नहीं, साथ ही चीन की इकोनॉमी भी आज रूस से बहुत बेहतर है। इसीलिए आज रूस की जगह चीन को दुनिया एक नई सुपर पावर के तौर पर देखती है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम फिर से मल्टीपोलर वर्ल्ड देखते हैं तो उसमें रूस से ज्यादा चीन की साझेदारी दिखती है। और दोस्तों ये बात दुनिया भर में चीन के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को देखने पर साफ हो जाती है। चीन ने आज सिर्फ सेंट्रल एशिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीका में भी अपनी डोमिनेंस को कायम कर लिया है, जहां से रूस तो अब बिल्कुल गायब हो चुका है। इस कॉन्टिनेंट पर अपने कंट्रोल के कारण चीन नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में खुद का फ्यूचर सिक्योर करने के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अफ्रीकन देशों के साथ बड़े उनके साथ के कारण अब यूएन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनके पास पहले से ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। रूस के पास यूं तो बेचने के लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त तक शायद वो यूरोप से सैंक्शंस ही झेलता रहेगा। इसीलिए रूस का भी नंबर वन कस्टमर चीन ही है, जिस वजह से रूस भी चीन पर डिपेंडेंट है। रूस के साइबेरिया इलाके में डायमंड से लेकर ऑयल सब कुछ निकलता है, लेकिन रशियन इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि वो यहाँ माइनिंग प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं कर पा रहे। हाल फिलहाल में चीन ने इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने में दिलचस्पी दिखाई है, जिस वजह से रूस अब चीन पर पहले से ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम रूस की ताकत यानी कि उसकी आर्म सप्लाई की बात करें तो वो उसमें भी चीन से पिछड़ता नजर आता है। आज चीन की वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज काफी एडवांस हो चुकी है और इसीलिए वो उन्हें एक्सपोर्ट करके भी काफी पैसा कमाते हैं। सऊदी अरब जैसे कई देशों ने चीन के साथ बड़ी वेपन डील्स साइन की है, जबकि दुनिया उन्हें यूएस का एलाई समझती है। अब इससे ये बात पता चलती है कि जो देश अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं वो अब चीन की तरफ देख रहे हैं, रूस की तरफ नहीं। चीन अब सीरिया और यमन जैसे मसलों में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। इन इलाकों को कभी अमेरिका और रूस की प्रॉक्सी वॉर्स का बैटल ग्राउंड माना जाता था, लेकिन चाइना के ये डायनामिक्स पूरे ग्लोबल बैलेंस को हिलाने लगे हैं। चीन के लिए रूस को हराना न तो बड़ी बात है और न ही ये नया है। जब 1960 के दशक में कम्युनिस्ट देश होने के बावजूद चीन और सोवियत यूनियन में लड़ाई हो गई थी तो चीन अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके चलता रहा, जबकि 1990 में सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया। आज रूस के पास न तो एलाइज है, न ही मॉडर्न हथियार और न ही इतना पैसा कि वो चीन जैसे मजबूत देश का सामना कर सके। इसीलिए हमें ये देखने को मिलेगा कि आने वाले वक्त में अगर चीन को न रोका गया तो यकीन मानिए रूस उसका जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगा। खैर दोस्तों आपको क्या लगता है कि चीन के इस राइज को रोकने के लिए रूस के पास कोई स्ट्रेटेजी है, और अगर कोई स्ट्रेटेजी है भी तो क्या रूस के अंदर इतना दम बाकी है कि वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से लड़ते हुए ड्रैगन का मुकाबला कर पाए? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे द मिस्टिकल एंड परिवार के साथ। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।